हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ द क्लास 9, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग आज पहले सबसे आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग को सेल बहुत ही हर चीज़ में हम लोग को सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सेल फोन हम लोग भी कहते हैं। जैसे फ़ोन में भी स्मॉल सेल होता है, हम लोग जानते हैं। जैसा कि डिस्कवर डेड सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन लिविंग सेल का जो डिस्कवर किए थे एंटन वैन लीनहुक किए थे 1674 में। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये दोनों का खोज किया था। फिर हम लोग जैसा कि जानते हैं व्हेन द रॉबर्ट हुक सी द डेड सेल, जब रॉबर्ट हुक डेड सेल को देख रहे थे, जब वो देख रहे थे उनको माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल दिखा था। कॉर्क सेल जब दिखा था तो वो बताए थे कि ये डेड रहता है, ये लिविंग नहीं रहता, इसलिए इसको डेड सेल मोकता है। और जब वेन एंटन वैन लीनहुक जब लिविंग सेल के अंदर देख रहे थे तो उनको पॉन्ड ऑफ एल्गी भी दिखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, और वो बैक्टीरिया भी उसके अंदर भी देखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। कि द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज, हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो फिर जितना भी सेल होता है वो डिफिनिट स्ट्रक्चर पर होता है। जितना भी सेल होता है वो डिफिनिट स्ट्रक्चर पर होता है। सो डैट गिव द डिफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड द सेल ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितना भी सेल जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहता है कि वो एवरी सेल है परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। जितना भी मतलब अलग अलग तरह का सेल है वो सब अपने अपने पर निर्भर रहते हैं। सो डैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग इसलिए कहते हैं कि एवरी सेल जो होता है वो हमारे इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के फादर थे अरिस्टोटल, जो फोर्थ सेंचुरी में किए थे। हम लोग आज पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो था ना, हमारे को दो साइंटिस्ट दिए थे, जो वो लोग दोनों जर्मन के थे, और दोनों साइंटिस्ट का नाम है सेल्डन एंड सचवान। ये जो सेल्डन थे वो 1838 में दिए थे, लेकिन ये 1839 में दिए थे। लेकिन दोनों साइंटिस्ट जो थे ना, वो दोनों का एक ही अति थे, दोनों एक ही दिए थे लेकिन अलग अलग ईयर में दिए थे। हमारे दोनों साइंटिस्ट ने जो कहा था, जो एवरी सेल जितना भी जो सेल होता है, एवरी लिविंग मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने हमारे सेल पे बने रहते हैं। जैसे हम लोग जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग, ऑल जितना भी दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के ऊपर डिपेंड है। हम लोग अब जानेंगे विचाओ के बारे में। जो विचाओ थे वो 1885 में थ्योरी दिए थे। ये जो थ्योरी दिए थे ना कि जो एवरी सेल जो जितना भी सेल है वो मेडअप, जो एवरी सेल जो रहता है वो प्री एक्सिटिंग सेल रहता है, वो मतलब एक दूसरे डिवाइड होते रहता है हर समय। अब हम लोग जानेंगे कि ये हम लोग दोनों जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में। जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी था वो हमारे दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक थे डी बैरी और दूसरा थे मैक्स सटलेंच। ये जो हम लोग को दोनों जो साइंटिस्ट थे, लेकिन वो दोनों एक ही ईयर में दिए थे, 1861 में दिए थे। ये जब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी था ये हमारे दो साइंटिस्ट को द्वारा गया था। इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। द टिनी मासेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, जो छोटा छोटा जो मास रहता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में है और वो न्यूक्लियस को होती करते हैं, उसे को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सेल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग को बांटा गया है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म, जो हम लोग साइटोप्लाज्म बाद पढ़ेंगे, और फिर न्यूक्लियस। ये तीनों को हम लोग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड। ये हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो प्रोटीन लिपिड से बनता है, और ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों का बहुत मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और ये इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसका हम लोग अब फंक्शन जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो होता है इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द ऑल सेल, ये सारे सेल को प्रोवाइड शेप को मतलब सेल को मतलब प्रोवाइड करता है शेप। इट इज मेड अप ऑफ सेमी परमेबल, ये जो होता है वो सेमी परमेबल से बना रहता है। इट अलाउ एनी सबस्टांस टू कम टू एग्जिट आउट ऑफ द सेल, ये जो मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वही मतलब डिसाइड करता है कि कौन सा सबस्टांस को आना है, किसको बाहर भेजना है। ये हम लोग सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या है?
सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल है वो एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है ना वो प्लांट सेल का मतलब एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में जो रहता है उसी को सेल वॉल कहते हैं। और इट इज द पेरमिबल एंड इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन था वो लिपिड से बना था और ये जो है वो सेलुलोज से बना है। अब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल होता है उसका शेप डिटरमाइन करता है। इट प्रिवेंट्स डिसेक्टेशन ड्राइंग अप ऑफ द सेल, ये जो होता है वो इट प्रिवेंट मतलब ये जो प्रिवेंट डिसेक्टेशन ड्राइंग ऑफ द सेल मतलब ये ड्राई करता है सेल को। इट नॉट अलाउ द टू मच ऑफ द वाटर, मतलब ये ज़्यादा वाटर को अलाउ नहीं करता है, जितना इसको जरूरत है उतना ही अलाउ करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता ना है वो जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके और एक डिफिनेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन न्यूक्लियट्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अंदर प्रोटीन न्यूक्लियट्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके अंदर ये सब प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स, मेनी स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइड द साइटोप्लाज्म, जितना भी मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म का। इट स्टोर द मॉलिक्यूल रिक्वायर ऑफ द सेलुलोज प्रोसेस, जो साइटोप्लाज्म होता ना है वो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मतलब कवर कर रखता है सेलुलोज प्रोसेस के द्वारा। और इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन द सेल इट शेप, जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को शेप मतलब देता भी, ये साइटोप्लाज्म शेप भी देता है सेल को। और थर्ड है हम लोग का सेवरल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर जो जो मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ेंगे इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग इन द साइटोप्लाज्म, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका हम लोग का दो टाइप होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं व्हेन द राइबोसोम अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मतलब जो राइबोसोम होता ना वो एंडोप्लाज्मिक के साथ अटैच रहता है उसी को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम आर द सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इनसाइड द सेल एंड कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो राइबोसोम होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये आरएनए और प्रोटीन को कंपोजिट करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। राइबोसोम आर बेसिकली अ प्रोटीन फैक्ट्री, जो राइबोसोम होता ना है वो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मात्रा में रखता है। अब हम लोग इसको जीन एक्सप्रेशन, राइबोसोम को हम लोग जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे राइबोसोम डू नॉट देयर वर्क इन साइटोप्लाज्म, जो राइबोसोम होता है वो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन देयर डीएनए एंड राइबोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है। इट हेल्प्स टू ऑक्साइड द फूड वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो खुद अपने आप ही फूड वाटर और वेस्ट मटेरियल को ढति करते रहते मतलब अपने आप पचा लेता है। थैंक यू, आज का वीडियो समाप्त होते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।